केजरीवाल यादव। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के संग बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री बनेंगे। सीएम ने दावा किया कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, आपकी सरकार को रोकने की कोशिश की जा रही है। विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक करने के बाद सीएम केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन दोनों यानी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मंत्रियों ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम चाहते हैं कि दिल्ली में अच्छे कामों को रोका जाए, जो काम हम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दोनों मंत्रियों को बदल दिया है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अच्छा काम दोगुनी गति से करेंगे। पहले अगर 80 की स्पीड से कर रहे थे तो अब 150 की स्पीड से करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया होता तो वो गिरफ्तार नहीं होते और बाहर आ गए होते। अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज बीजेपी में शामिल हो जाए तो सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे और कल दोनों बाहर आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के एक घर तक जाएंगे, एक मिनट के लिए भी दिल्ली का काम नहीं रुकेगा। जब अति हो जाती है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शराब नीति तो बहाना है, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में हो रहे अच्छे कामों को रोकना चाहते हैं। इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ और शिक्षा मंत्री दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम काम रुकने नहीं देंगे, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। आप गिरफ्तार करोगे, हम उनकी जगह और अच्छे मंत्री बना देंगे। जहां ये बयान अब जमकर वायरल हो रहा है।